नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त राहुल जायसवाल को किया गिरफ्तार। 25 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त अजय कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के चौथे दिन प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सन्यासियों ने किया था पहला प्रतिरोध। नाथपंथी संतों, दसनामी व नागा साधुओं की प्रतिरोध में थी बड़ी भूमिका। झूलेलाल मंदिर से महानगर में निकाली गई भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। भारी संख्या में नागरिक शोभा यात्रा में हुए शामिल। पिता पुत्र के बीच घर के छत पर आपस में हुई कहा सुनी। धक्का मुक्की के दौरान दोनों गिरे छत से नीचे, दोनों हुए घायल। पिता के सिर में लगी गंभीर चोटें, हालत गंभीर। पुत्री ने दर्ज कराया मुकदमा। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, मात्र संत नहीं थे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ, शिक्षा के प्रति भी थे समर्पित। पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ NERPOA के तत्वावधान में भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF की कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक हुई प्रारंभ। कहा, अपने दीर्घकालीन अनुभव की बदौलत प्रमोटी अधिकारी किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से संपादित करने में होते हैं सक्षम। पुलिस ऑफिस परिसर का SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। परिसर में साफ सफाई के साथ फरियादियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा मनाया गया विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस। केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे ने कहा, जो जिस भाषा में समझे उनको उन्हीं की समझने वाली भाषा में जवाब देने से ही होगी धर्म की स्थापना। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ताल थाने की पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त टीम ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भागवत प्रसाद जायसवाल निवासी वार्ड नंबर 4 सलेमपुर बाजार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से 25 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने अभियुक्त को थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, उपनिरीक्षक हरिप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राव, इंद्रेश वर्मा, सुनील कुमार सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, भैया हाल पता रामगढ़ का
प्रदेश भर में एनडीपीएस एवं अन्य ड्रग्स के सप्लाई एवं उनके रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर ने प्राथमिकता से अपने यहाँ पे चल रहे विभिन्न प्रकार के ड्रग्स पर कंट्रोल के लिए एक अभियान चलाया है। उसी अभियान के अनुक्रम में जनता से हमने अपील की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको इस तरह का ड्रग्स या कुछ बेचते हुए मिले तो ज़रूर बताएँ। इस बात पर मुझे एक मुखबिर ने स्वयं मुझे आके बताया कि सर डोमवा ढाले के पास में एक घुमटी है, उस घुमटी के पास में एक व्यक्ति है, वो घुमटी की आड़ में गांजे की बिक्री करता है। उसको खुफिया तरीके से पता लगाया गया तो ये बात सच निकली एवं उसके बाद में एसओजी एवं थाना रामगढ़ ताल की टीम द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया एवं पकड़े जाने पर फर्दर पूछताछ पे उसके पास से 25 किलो गांजा, 25 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ है एवं ये गोरखपुर पुलिस की इस अभियान में पहली सफलता है, लेकिन अंतिम नहीं होगी। इसी प्रकार गोरखपुर पुलिस शहर एवं अन्य जगहों पर जहां कहीं भी विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का कोई बेचना या निष्कर्षण या कुछ भी हो रहा है, सप्लाई हो रही है, उसको रोकथाम के लिए पुरजोर कार्रवाई करेगी। तैयार किया गया है जिसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थैंक यू। एसओजी टीम द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, उनको इस बात के लिए साधुवाद देते हैं एवं भविष्य में अच्छा कार्य करने के लिए भी हिदायत देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। कैंट थाने की पुलिस ने गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़ व हवाई फायर करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम भरसार थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 17 अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास के सामने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर हो रहे धरने के बाद छात्रावास के सामने रात्रि में हवाई फायरिंग करने व संत कबीर छात्रावास के कमरा नंबर 62 व 67 में तोड़फोड़ करने के संबंध में हिमांशु सिंह पुत्र दिलीप सिंह, दूसरा अजय कुमार, तीसरा सौरभ सिंह उर्फ पीयूष, राहुल राय, आकाश पांडे, अभिषेक सिंह, यशपाल सिंह सहित 8 अज्ञात के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि विश्वविद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए अपने मित्र यशपाल सिंह के नेतृत्व में अन्य छात्रों के साथ नारेबाजी कर रहा था। धरने के बाद हम लोगों की बातों को विश्वविद्यालय के वार्डन ने नहीं सुना तो हम लोग उत्तेजित होकर अपनी बातों को मनवाने के लिए विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरे में तोड़फोड़ कर आग लगा दिए और हवाई फायरिंग भी की। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, बाकी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी अमित चौधरी, कांस्टेबल विनय सिंह, राहुल कन्नौजिया शामिल रहे। एकदम ले लिया गया फोटो, उसने हमारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी ना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य व पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहला प्रतिरोध सन्यासी प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में नाथ संप्रदाय के संतों, अनुयायियों, दसनामी तथा नागा साधुओं की बड़ी भूमिका रही। इतना ही नहीं, 1857 की क्रांति में कमल व रोटी का जो संदेश गांव गांव पहुंचा वह 1856 के हरिद्वार कुंभ में संतों द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। प्रोफेसर चतुर्वेदी गुरुवार अपराह्न महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के चौथे दिन स्वतंत्रता संग्राम में सन्यासी विषय पर विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1767 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले प्रतिरोध का संयोजन तमकुही राज के तत्काल
तालीन स्थानीय जमींदार फतेह बहादुर शाही ने किया था। फतेह बहादुर शाही की सेना में प्रमुख रूप से नाथ पंथ के सन्यासी, उनके अनुयायी, दसनामी साधुओं से संबद्ध गोसाई तथा नागा साधु प्रमुख रूप से शामिल थे। 1803 तक चले इस प्रतिरोध में हजारों की संख्या में साधु सन्यासी वीरगति को प्राप्त हुए। 1835 में प्रयागराज में प्रयाग वाला संत समुदाय ने भी अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध मोर्चा खोला था। 1857 की क्रांति की भूमिका भी इसके एक साल पहले हरिद्वार कुंभ में संतों ने ही तैयार की थी। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कहा कि गोरखपुर सिर्फ साधना उपासना का केंद्र नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीयता व सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रकाश स्तंभ है। राष्ट्रीयता की भावना को पोषण देने के लिए गोरखनाथ मंदिर ने स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों के संरक्षण व मददगार की भूमिका का निर्वहन किया। 1857 से लेकर 1880 तक गोरखनाथ मंदिर के संत महंत गोपालनाथ जी निरंतर क्रांतिकारियों की मदद करते रहे। उनके बाद यह जिम्मेदारी योगी राज गंभीर नाथ जी और महंत दिग्विजय नाथ जी ने उठाई। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि 4 फरवरी 1922 को हुए ऐतिहासिक चौरी चौरा जनाक्रोश की अगुवाई जिस चिमटहवा बाबा ने की थी, वह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज थे। जनाक्रोश में जब उनका नाम आया तो उनके लिए मदन मोहन मालवीय जी खड़े हुए और साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत के बंटवारे का भी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी ने विरोध किया था। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बताया कि 1973 में यूनेस्को ने एक स्वतंत्र शोध कराया था जिसमें 43 प्राचीन सभ्यताओं की सूची बनाकर विशद अध्ययन किया गया। इसके निष्कर्ष में पाया गया कि इनमें से 42 सभ्यताओं को म्यूजियम में ही देखा जा सकता है। अपनी मूल सभ्यता में जीवित सिर्फ भारत की सभ्यता पाई गई। उन्होंने कहा कि भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के आने तक यहाँ की मूल सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी भारतीयता मूल रूप में बनी रहे तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका संत परंपरा से जन जन तक समयानुकूल होते रहे सांस्कृतिक व सामाजिक जागरण की रही। संतों द्वारा दिए गए मौलिक दर्शन से ही भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल वाजपेयी ने तथा आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। प्रातःकालीन सत्र के व्याख्यान में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य अभय नारायण तिवारी ने स्वर्णप्राशन विषय पर सारगर्भित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वर्णप्राशन षोडश संस्कारों में से एक है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को आयुर्वेद का अनुपम उपहार है। उन्होंने बताया है कि 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्णप्राशन पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद गोरखपुर में स्वर्णप्राशन का अभियान शुरू किया गया। जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित रहे जनपद के भंडसार गांव में बच्चों को स्वर्णप्राशन कराने के शानदार परिणाम प्राप्त हुए। वैद्यश्री तिवारी ने बताया कि कई शोध अध्ययनों से आधुनिक मानकों पर स्वर्णप्राशन की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। व्याख्यान माला में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डॉ. डी.एस. अजिता, गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉ. प्रज्ञा सिंह, डॉ. सुमित कुमार, डॉ. दीपू मनोहर, डॉ. पीयूष वर्मा, डॉ. एस.एन. सिंह, डॉ. जासोबेन, डॉ. प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। मंच संचालन वैभव दुबे व जानवी राय ने किया। व्याख्यान का शुभारंभ बीएएमएस की छात्राओं साक्षी सिंह, मम्पी राय व दीक्षा द्वारा प्रस्तुति धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से तथा समापन साक्षी श्रीवास्तव, मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा आशमा खातून के वंदे मातरम गान से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व बीएएमएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में सप्तदिवसीय व्याख्यान माला के अंतर्गत 26 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से भारतीय सेना में नारी विषय पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत तथा भारतीय वायुसेना की सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर श्रीमती राखी अग्रवाल का व्याख्यान होगा।
गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शोभा यात्रा 71 वर्षों से लगातार हर वर्ष निकाली जा रही है। कोरोना के कारण शोभा यात्रा 2 साल से बंद थी, लेकिन इस वर्ष स्थिति सामान्य रहने के कारण यह शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान झूलेलाल की जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। यह शोभा यात्रा झूलेलाल मंदिर से निकलकर भगवती स्कूल, चिटाशंकर पोखरा होते हुए अली नगर, बख्शीपुर, बैंक रोड होते हुए वापस विजय चौराहे पर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में झूलेलाल कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन वलानी ने बताया कि 71 वर्षों से यह शोभा यात्रा निकलती आ रही है, जिसमें तरह तरह की झांकियां भी शामिल हैं। भारी संख्या में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झूलेलाल कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन वलानी एवं गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने कहा, गोरखनाथ मंदिर से पधारे, सामने आ रहे माल्यार्पण करते हुए विश्व जितान जो सिंह आंसको जी हम अपना स्वागत आज पधारे हुए हैं। कुछ झूलेलाल वाहन को धीरे से आगे बढ़ाए, मान थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा झूलेलाल महोत्सव के शुभारंभ का हरी झंडी का कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी गज कर ले लो बाबा अमरलाल की, हरि बाबा गुरु गोरखनाथ धर्म की, आयो लाल सब
बुझी को राग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जो इस मई जून वाली तपती गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास दे, उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। बोलो योगी आदित्यनाथ। अर्जुन बालानी, अध्यक्ष झूलेलाल कमेटी। झूलेलाल जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, कितने वर्षों से निकाली जा रही है? ये पिछले 71 वर्षों से निकाली जा रही है, जिसमें 2 वर्ष कोविड के शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। और इसका रूट यहाँ से होकर भगवती स्कूल और भगवती स्कूल से होकर के जटाशंकर पोखरा होते हुए अलीनगर बख्शीपुर होते हुए बैंक रोड और वापस विजय चौराहे पे आकर के गणेश चौराहे से होके गोलघर कृपाल वस्त्रालय पे जा करके झांकियों का समाप्त हो जाता है। वहाँ से फिर जो है मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के लिए जितनी भी झांकियाँ हैं वो वहाँ से राजघाट के लिए प्रस्थान करती हैं। मैं यहाँ 51 वर्ष से गोरखनाथ मंदिर में हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ झूलेलाल जी महाराज का यह उत्सव मनाया जा रहा है। यही नहीं, हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। सिंधी समाज गोरखपुर की और गोरखनाथ मंदिर की रीढ़ रही है। हर कार्यक्रम में वे लोग भी आते रहे हैं, हर कार्यक्रम में हम लोग तो आते ही हैं, महाराज जी स्वयं पधारते रहे हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री हो गए हैं इस नाते व्यस्तता के कारण नहीं उपस्थित हुए, लेकिन प्रत्येक वर्ष ये इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होते रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ हमारे सिंधी समाज ये कार्यक्रम मनाते हैं। इसमें सारे गोरखपुर के लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, गोरखपुर की जनता भी इसे बड़े उत्साह के साथ मनाती है। ये सारे लोग अपने अपने वाहन से एक बहुत बड़ा जुलूस शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाला जाता है। हमें यह आशा है कि यह कार्यक्रम अनवरत प्रत्येक वर्ष भविष्य में भी चलता रहेगा। भगवान गोरखनाथ जी यह कार्यक्रम को सफल बनाने में आशीर्वाद दें। हम भी गोरखनाथ मंदिर की ओर से भी ये हम अवश्य कामना करते हैं, शुभकामना भी देते हैं, ये कार्यक्रम सदैव चलता रहे। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला माधोपुर में मिलन साहनी और उसके पुत्र आशुतोष साहनी के बीच घर के छत पर आपस में कहासुनी हुई, जिसमें दोनों आपस में धक्का मुक्की किए जाने पर धक्का मुक्की के दौरान दोनों छत से नीचे गिर गए, जिससे मिलन साहनी को सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि मिलन साहनी की बेटी ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, उसके बाद वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मिलन साहनी की पुत्री ज्योति साहनी ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, कल दिनांक 24/8/2022 को रात में तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला माधोपुर में एक पिता राम मिलन साहनी और उनके बेटे आशुतोष साहनी के बीच आपस में कहासुनी हो रही थी। चूंकि ये कहासुनी छत पर हो रही थी और इसी में दोनों आपस में धक्का मुक्की कर लिए। धक्का मुक्की के दौरान छत से दोनों नीचे गिर पड़े, जिसमें पिता राम मिलन साहनी के सिर में गंभीर चोटें आईं। उसकी पुत्री ज्योति साहनी द्वारा उसको अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराया गया है, वहाँ से उनको बीआरडी कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। सिर में चूँकि गंभीर चोटें हैं और उसकी बेटी ने ज्योति साहनी ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त राहुल जायसवाल को किया गिरफ्तार। 25 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त अजय कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के चौथे दिन प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सन्यासियों ने किया था पहला प्रतिरोध। नाथपंथी संतों, दसनामी व नागा साधुओं की प्रतिरोध में थी बड़ी भूमिका। झूलेलाल मंदिर से महानगर में निकाली गई भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। भारी संख्या में नागरिक शोभा यात्रा में हुए शामिल। पिता पुत्र के बीच घर के छत पर आपस में हुई कहासुनी। धक्का मुक्की के दौरान दोनों गिरे छत से नीचे, दोनों हुए घायल। पिता के सिर में लगी गंभीर चोटें, हालत गंभीर। पुत्री ने दर्ज कराया मुकदमा। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, मात्र संत नहीं थे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ, शिक्षा के प्रति भी थे समर्पित। पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ NERPOA के तत्वावधान में भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF की कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक हुई प्रारंभ। कहा, अपने दीर्घकालीन अनुभव की बदौलत प्रमोटी अधिकारी किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से संपादित करने में होते हैं सक्षम। पुलिस ऑफिस परिसर का SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। परिसर में साफ सफाई के साथ फरियादियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा मनाया गया विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस। केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे ने कहा, जो जिस भाषा में समझे उनको उन्हीं की समझने वाली भाषा में जवाब देने से ही होगी धर्म की स्थापना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने संबद्ध महाविद्यालयों के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 350 महाविद्यालयों में दिग्विजयनाथ PG कॉलेज गोरखपुर हमेशा नंबर एक पर रहा है। महंत दिग्विजयनाथ मात्र संत ही नहीं बल्कि शिक्षा के प्रति समर्पित कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति अग्रणी रहे हैं। विश्वविद्यालय ने इस महाविद्यालय से भौतिक और सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय की स्थापना में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महंत दिग्विजय नाथ का विशेष योगदान रहा है। शिक्षा में ज्ञान के साथ मार्केट आधारित प्लानिंग भी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उस दिशा में प्रयास करें, तभी हम वर्तमान चुनौतियों के साथ खुद को स्थापित कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में दिग्विजय नाथ के विचारों के साथ हम बेहतर कार्य कर सकें, यही उस युग पुरुष के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाविद्यालय अपने संस्थापकों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम बनाए, जिसे अपने यहाँ लागू करें और विश्वविद्यालय में भी भेजे, जिससे आगे विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त किया जाए। उन्होंने भारतीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर भी बल दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप शिक्षण में तकनीकी के प्रयोग एवं शोध अभिगम के साथ नवाचार को
बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा, बदलते परिवेश के साथ हमें अपनी सोच बदलनी होगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 170 क्रेडिट का कोर्स जो लाया जा रहा था उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने में दिक्कतों के मद्देनजर उसे संशोधित करते हुए अब 24 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के कोर्स को लागू किया गया है। कोर्स बनाते हुए क्रेडिट लोड के बारे में भी विचार करना चाहिए। दुनिया के 10 सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयों को देखते हुए उनके स्तरीय स्तर का बनने का स्वयं भी प्रयास करना होगा। इस अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर निधि राय, डॉक्टर विभा सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र, अनिल भास्कर, इंद्रीश पांडे, डॉक्टर आर पी यादव, पीयूष सिंह, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर श्याम सिंह, जितेंद्र कुमार पांडे, विवेकानंद, डॉक्टर नीतीश शुक्ला, रविन्द्र नाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन कर प्रीत श्रोमण गणा प्रताप मां सरस्वती
के अप्रैल में इस शिक्षा परिषद के अप्रैल में जितने काले आते हैं वो बच्चे पढ़े।
तरीका वही है उस कार की, उसको उसको आप आगे लेके आइए और अकेडमिक और ऑप्शन में लाइए और अकेडमिक फंक्शन में लाइए, तो एक हिस्सा बनेगा। और ये एक री एजुकेशन पॉलिसी का एक पिलर है कि आप एक सिस्टम है। मैं अभी री एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करूँगा, उसकी चर्चा करूँगा। एक आस्पेक्ट उसका जो इम्पोर्टेंट है कि मॉरल एंड एथिकल है, तो आप किस पैरामीटर को आप लेते हो जिससे कि आपके स्टूडेंट में मॉरल और एथिकल वैल्यू को डाला जाए। तो मुझे लगता है कि इसका एक प्रोसेस ये बड़ी अच्छी शुरुआत होगी और बड़ी पहचान होगी, इस काम की पहचान होगी, इंडस्ट्री की पहचान होगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ NERPOA के तत्वावधान में भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF की कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक रेलवे प्रेक्षागृह में प्रारंभ हुई। उद्घाटन सत्र में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख परिचालन प्रबंधक संजय त्रिपाठी, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक संजय मिश्र, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक DK सिंह, प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती प्रीति झा, प्रमुख विद्युत इंजीनियर AK शुक्ल, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक KC जोशी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर DN चौधरी, भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष अमित जैन, महासचिव HC यादव, सलाहकार श्री जितेंद्र सिंह, सलाहकार रमन शर्मा, संगठन सचिव RP चंद्र, भारतीय रेलवे प्रमोटी अधिकारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष JP सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह एवं महामंत्री रमेश पांडे सहित सभी 17 क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पाद इकाइयों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती प्रीति झा ने कहा कि प्रमोटी ऑफिसर बहुत ही अनुभवी होते हैं तथा अपने दीर्घकालीन अनुभव के बदौलत वे किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से संपादित करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोटी अधिकारियों की प्रतिबद्धता सराहनीय होती है। भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF के अध्यक्ष अमित जैन ने महासंघ की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि हाल ही में रेल मंत्री के साथ महासंघ की आयोजित बैठक बहुत ही सकारात्मक रही है। भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF के महासचिव श्री HC यादव ने कहा कि प्रमोटी अधिकारी भारतीय रेल के मेरुदंड हैं तथा उनकी समस्याओं का हर हाल में समाधान होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कैटेगरीज के लंबित DPC को पूरा कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है तथा लगभग सभी कैटेगरीज में वर्ष 2020 तक की DPC हो चुकी है। उन्होंने सीनियर स्किल के पदों को पुनः प्रमोटी अधिकारियों के लिए तदर्थ आधार पर उपलब्ध कराने हेतु महासंघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। कार्य समिति की बैठक को क्षेत्रीय रेलों के प्रमोटी अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया, जिनमें मध्य रेलवे के TVSN मूर्ति, पूर्व रेलवे के देवव्रत, पश्चिम रेलवे के RV श्रीवास्तव, पूर्व मध्य रेलवे के श्री दीपक राज रे, पूर्व तटीय रेलवे के RR मिश्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सुशील कुमार मौर्य, पूर्वोत्तर रेलवे के रमेश पांडे तथा दक्षिण मध्य रेलवे के गोविंद हरले आदि प्रमुख हैं। वक्ताओं ने अपने संबोधन में प्रमोटी अधिकारियों की समस्याओं तथा उनके निदान से संबंधित अनेक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF के अध्यक्ष अमित जैन और पूर्वोत्तर रेलवे की प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती प्रीति झा ने कहा, हमारी जो भी कामनाएं हैं, हमारे जो भी इशू गेस्ट और मंच पे अन्य
आप लोगों ने जो सभा के मुझसे बोला गया है कि आशीष बच्चन के बारे में आशीष बच्चन देने के लिए तो देखिए एक गीता में श्लोक है जो जैसे जैसे श्रेष्ठ जन व्यवहार करते हैं वैसा आचरण अच्छा रखिए और लोगों को अपना अनुसरण करने के लिए या आपको फॉलो करने के लिए आपके मूल मंत्र है जिसके साथ आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। नर्सरी में ही सिखा दिए जाते हैं, उसके बाद की सारी पढ़ाई तो जो है वो हम लोगों की विषयगत हो जाती है। वो अगर कोई बच्चा अपना टिफिन नहीं लाया है, मान लीजिए उसकी मम्मी ने नहीं दिया या भूल गया, तो वो सब चीज़ शेयर करते हैं। हड्डी का काम होता है ना, जो कि दिल को स्ट्रॉन्ग करके रखती है। उसी तरह से मुझे लगता है प्रमोटी ऑफिसर्स एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो कि हम जैसे लोग भी जो आते हैं बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी को संवारते हैं ना, उसी तरह से हम लोगों ने भी जो सब जब सीखते हैं एज प्रोबेशनर्स एज ऑफिसर्स, तो उसमें प्रमोटी ऑफिसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो लोग जनरली उनका इतना इंटर रेलवे मूवमेंट नहीं होता है जितना क्लास वन का होता है, तो उनके वहाँ की पॉलिसीज तो इंडियन रेलवेज में एक ही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस जो उनको मालूम होती है ऑफ द कंसर्न जोनल रेलवेज, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है और उससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है ताकि हम उसको आगे बढ़ सकें। दूसरी बात मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मैंने नोटिस की है प्रमोटी ऑफिसर्स के बारे में कि वो लोग जनरली ये नहीं बोलते ये मेरा काम नहीं है। कारण ये है कि वो जब बनते हैं ऑफिसर तो वो शायद इतने सेक्शंस में देख लेते हैं या काम कर लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तो एक क्लास वन तो कभी कभी शुरू में बोल जाता है कि मैडम मैंने ये नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं मालूम है, बट आई वेरी सेल्डम हर्ड अ प्रमोटी ऑफिसर से दैट ये मेरा काम नहीं है। वो काम ना होते हुए भी पता कर लेते हैं कैसे करना है, उसको करके ढूंढ के उसको अपना एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए आपको बता देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में सीखा है। और एक मिस्टर बंसल थे, मुझे लगा शायद वो अभी भी सक्रिय होंगे, तो मिस्टर बंसल थ्रू आउट हैज बीन इन टच विद मी। वो सारे कार्डर्स का इररिस्पेक्टिव ऑफ यू नो मैकेनिकल कार्डर से हैं, आप सब लोग पता नहीं उनसे वाकिफ है या नहीं, वो सबका कार्डर पोजीशन बताते थे और ये भी बताते थे कब किसका प्रमोशन होगा, एंड आई थिंक 80% उनकी बातें सही भी होती थी। तो वो एक बहुत ही सक्रिय ऑफिसर थे जिनसे बहुत कुछ रेल के प्रति और कार्डर के प्रति उनका जो समर्पण था वो अद्भुत था। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि अ बिजी मैन हैज़ टाइम फॉर एवरीथिंग। ये जो बहुत एक वो हो गई है कि हमें समय नहीं है, बहुत वैकेंसीज हैं, हम डबल काम कर रहे हैं ट्रिपल काम कर रहे हैं, ये एक मन की सोच है। अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है, प्रेरणा है और एक ताकत है कि मुझे ये काम करना है, आपके पास कभी भी समय का अभाव नहीं होगा। तो वॉट आई थिंक इज कि कमिटमेंट अगर बहुत बड़ा हो तो सबसे व्यस्त आदमी के पास सब काम करने की क्षमता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं कि वो लोग यहाँ पे अपने अच्छे सुझाव से अपने यहाँ पे जो इंटरैक्शन है उसको एंड गोरखनाथ की जो पवित्र भूमि है, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा शहर, हम लोग सब दिल्ली से आए थे, इतना सुंदर शहर है। तो मुझे उम्मीद है कृष्णा सिंह जी केवल इस सभागृह में आपको लिमिट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस में हो जाता, थोड़ा बहुत गोरखपुर भी घुमाएंगे। अमित जैन अध्यक्ष इंडियन रेलवे प्रमोटिंग ऑफिसर फेडरेशन। अभी शुरुआत हो रही है, हम लोग अभी अपने जो प्रमोटिंग ऑफिसर्स हैं
उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी PHODs आए थे, वो हम लोगों को एड्रेस करके गए हैं, हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दो मेन मुद्दे हैं हमारे, हमारा जो प्रमोशन के लिए DPC होती है ग्रुप A में आने के लिए, उसमें काफ़ी डिले होता है, और हम लोगों का जो सीनियर स्केल पहले मिलता था वो अभी बीच में रोक दिया गया, तो उसके बारे में और दूसरे मुद्दों के बारे में अभी आज और कल डिस्कस करेंगे। क्या उद्देश्य यही है कि प्रमोटिंग ऑफिसर्स को कैसे, मतलब उनको काम तो पूरा करते हैं लेकिन उस हिसाब से मतलब अपनी एफिशिएंसी तभी बरकरार रह पाएगी जब उनको ड्यू प्रमोशन को समय पर मिले। अगर हम लोगों को प्रमोशन समय पर नहीं मिलेगा तो जैसे टाइमली प्रमोशंस जो है होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑफिसर्स बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारा 18-20 साल नौकरी करके सर्विस करके, जिन्हें 3 साल में ही ग्रुप A मिलना चाहिए, पर 10-15-12 साल में भी ग्रुप A का कोई आशा नहीं लग रही है। बीच में उन्हें एक प्रमोशन मिलता था सीनियर स्केल का, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया, अभी रोक दिया गया है, जिसके चलते लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उसी को हम लोग दिलवाने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं, और इसका हम प्रपोजल फिर रेलवे बोर्ड में आगे बढ़ाएंगे, हम लोग वहाँ प्रेशर देंगे कि इसको किया जाए। दूसरा, DPC में हमारे नंबर जितने होने चाहिए, जितने ऑफिसर्स के प्रमोशन होने चाहिए, उससे बहुत कम लिया जा रहा है, जिसके चलते भी नंबर स्टैग्नेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमें अभी नया IRMS एक स्टार्ट हुआ है रेलवे में, जिसमें और बहुत सारी पोस्टें कम कर दी गई हैं, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और भी ख़राब हो रहा है, जिसे ठीक करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, और यहाँ जो डिसीजन होगा उसे हम रेलवे बोर्ड को प्रेषित करेंगे। हमारे 17 डिवीजन से 17 रेलवे और टोटल 25 एसोसिएशंस आए हैं, करीब 50 के प्लस लोग हैं, और सभी अपना अपना मंतव्य यहाँ देंगे, सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा हम ही लोग सब लोगों के राय से उसे हम लोग फाइनली अब रेलवे बोर्ड में इशू को रेज करेंगे। HC यादव, हरिश्चंद्र यादव, सेक्रेटरी जनरल IRPOF। तो हम लोग ये सब चर्चा करेंगे अभी, और जैसे सर ने बताया अभी ये जो एक नई एक मैनेजमेंट सर्विसेज रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने लागू करने का बीड़ा उठाया है, 2022 में जो हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने सभी पूरे इंडियन रेलवे की सभी डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक सर्विसेज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज को लागू किया है, तो उसमें नंबर्स इनटेक जो है 150 रखा है, जो कि पहले लगभग 823 होता था टोटल, तो इससे इतने कम नंबर हो जाने से क्या इफेक्ट आने वाला है वर्किंग पर, वो सब लोग हम सब लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर एक मेमोरेंडम बना कर रेलवे बोर्ड में भेजा जाएगा। प्रीति झा, प्रमुख वित्त सलाहकार, इंडियन रेलवे प्रमोटिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो ये मीटिंग है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही प्रभावी हो, और जो एजेंडा लेकर ये आए हैं उसको कंप्लीट करें। और प्रमोटिंग ऑफिसर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक रेलवे की सुचारू प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। जब ये ऑफिसर्स बनते हैं तो कम से कम मुझे लगता है 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग सेक्शन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं, और उससे हम क्लास 1 ऑफिसर्स जो कि नए क्षेत्र से आते हैं एकदम तुरंत आ जाते हैं सर्विस में, बहुत आराम मिलता है और बहुत उन लोगों से सीखने को मिलता है। आई विश प्रमोटिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग को अ बिग सक्सेस। धन्यवाद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गुरुवार को पुलिस ऑफिस परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान SSP ने परिसर के साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। परिसर में उगी घासों को साफ करने के साथ जहां पर बारिश में पानी लग जा रहा था वहां पर मिट्टी डलवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि परिसर को साफ सुथरा रखकर एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों फरियादी दूर दूर से आते हैं, उन फरियादियों को किसी तरह की असुविधा न हो, फरियादियों को बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। वो तो करा दूंगा, कोई जरूरत नहीं, पूरा घास करता है ना, बिल्कुल जो दीवार तक का है पूरा करा दो, पूरे का पूरा घास करना है। यहाँ पे लगा हुआ है,
भर ही सही रहेगा। गाड़ी खड़ी आएगी तो गाड़ी नहीं गाड़ी गाड़ी पीछे रुके, ऐसा कर सकते हैं बस सर यहीं से। हाँ यहीं से छाया खत्म हो रही है आपकी, जैसे भी तो सर हम लगा दूंगी कि यहाँ आपकी छाया खत्म हो रही है उसके आगे से आप विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देश पांडे ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संबोधन में केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देश पांडे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने मेडिकल सेंटर, अनाथालय, छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया है, जिसमें 600 से ज्यादा गाँव में शिक्षा जागरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, धर्म की बात समझने वालों को धर्म की भाषा में जवाब देना एवं उद्यमियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, या भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जिसकी जैसी समर्थ हो उसको उसी हिसाब से दूसरों का विरोध अवश्य करना चाहिए, तथा लाखों लोगों को धर्मांतरण से रोकने का कार्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही माताओं बहनों की घर वापसी का कार्य विश्व हिंदू परिषद ने किया। इसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि महानगर द्वारा विश्व हिंदू परिषद का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थापना के साथ जितने भी काम किए हैं उन कार्यों को कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच लाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, संचालन प्रांत सहमंत्री शगुन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक विद्या भारती, प्रांत उपाध्यक्ष शिवाजी सिंह, प्रांत कोषाध्यक्ष आरपी शुक्ला, राहुल पांडे, राहुल विनीता पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत प्रचारक प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, इस साल 19 अगस्त को थी,
परंतु अपनी सुविधा के अनुसार 19 अगस्त के बाद 28 अगस्त को अपने इस गोरक्ष प्रांत में स्थापना दिवस के कार्यक्रम विश्वानु परिषद के द्वारा हो रहे हैं। लगभग 1000 जगह ये कार्यक्रम हो ऐसा विश्वानु परिषद का लक्ष्य है। उसमें से 700 से ज्यादा कार्यक्रम अभी संपन्न हुए हैं। कार्यक्रम में चंद्रन को ही न बोलते हुए भी कुछ भगवान कृष्ण के संदर्भ में करता हूँ और उसके द्वारा ही कुछ आज की परिस्थिति के संदर्भ में कॉमेंट भी कर सकता हूँ। क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर विष्णु परिषद की स्थापना हुई है तो भगवान कृष्ण के जीवन में कुछ दो तीन प्रसंगों का हम थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बाल कृष्ण भगवान कृष्ण जब छोटे थे जब उनको बाल कृष्ण कहते थे तो गोकुल के सारे बाल गोपाल एकत्रित अपने गौ से चराने के लिए लेके जाते थे और सवेरे से शाम तक सफर होते थे तो हरि की माता अपने बाप बेटे को कुछ न कुछ भोज गोकुल के भोजन के लिए बांध कर देती थी। दुर्गेश त्रिपाठी प्रांत प्रचार प्रमुख। आज गोरखपुर महानगर द्वारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है जिसमें आज हमारे केंद्रीय संगठन मंत्री श्रीमान विनायक राव देशपांडे जी जो प्रचारक हैं वो आज उनका मुख्य उद्बोधन है। उनका उद्बोधन हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना काल के साथ ही जितने भी उसने अभी तक काम किए हैं उन कार्यों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाने का और क्या क्या काम आगे समय में करना है वो सारा कार्यक्रम हम लोग आज लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से रखेंगे। और विश्व हिंदू परिषद को आज अपनी यात्रा करते करते 58 वर्ष हो गए हैं तो आने वाले समय हम लोग का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है उसकी भी तैयारी का काल चल रहा है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त राहुल जायसवाल को किया गिरफ्तार। 25 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़ आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त अजय कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के चौथे दिन प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सन्यासियों ने किया था पहला प्रतिरोध। नाथपंथी संतों दसनामी व नागा साधुओं की प्रतिरोध में थी बड़ी भूमिका।
झूलेलाल मंदिर से महानगर में निकाली गई भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। भारी संख्या में नागरिक शोभा यात्रा में हुए शामिल। पिता पुत्र के बीच घर के छत पर आपस में हुई कहासुनी। धक्का मुक्की के दौरान दोनों गिरे छत से नीचे, दोनों हुए घायल। पिता के सिर में लगी गंभीर चोटें, हालत गंभीर। पुत्री ने दर्ज कराया मुकदमा। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, मात्र संत नहीं थे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ, शिक्षा के प्रति भी थे समर्पित। पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ NERPOA के तत्वावधान में भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF की कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक हुई प्रारंभ। कहा, अपने दीर्घकालीन अनुभव की बदौलत प्रमोटी अधिकारी किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से संपादित करने में होते हैं सक्षम। पुलिस ऑफिस परिसर का SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। परिसर में साफ सफाई के साथ फरियादियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा मनाया गया विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस। केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे ने कहा, जो जिस भाषा में समझे उनको उन्हीं की समझने वाली भाषा में जवाब देने से ही होगी धर्म की स्थापना। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।